iPhone 15 सीरीज के लॉन्च को रफली 25 से 30 दिन बचे हैं, क्योंकि iPhone 15 सीरीज का जो लॉन्च होने वाला है वो होने वाला है 12 सितंबर को, और जो आपको iPhones देखने मिलेंगे सेल के ऊपर वो देखने मिलेंगे आपको 22 सितंबर के बाद, मतलब 22 सितंबर के बाद आप iPhone 15 सीरीज को बाय कर सकते हो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि iPhone 15 सीरीज में आपको क्या देखने मिलने वाला है, क्या नई चीजें देखने मिलेंगी। बेसिकली मैं आपको iPhone 15 सीरीज के सारी लीक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर बात करें iPhone 15 सीरीज की, तो iPhone 15 सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी लीक्स आ गई है, जिनमें से एक लीक ये बताती है कि आपको इस साल iPhones के ऊपर प्राइस हाइक देखने मिलेगा। मतलब इस साल की जो iPhone 15 सीरीज होने वाली है वो पिछले साल की iPhone 14 सीरीज से थोड़ी महंगी लॉन्च होने वाली है, और ये जो प्राइस हाइक है वो बताया जा रहा है कि आपको 8000 से लेकर 16000 रुपए ज्यादा देखने मिलेगा iPhone 15 सीरीज में। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी भी, जो iPhone 15 के प्रो मॉडल्स होने वाले हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो बेस वेरिएंट होगा वो 256 GB के साथ आने वाला है। और अगर बात करें रैम की, तो रैम के रिलेटेड बहुत सारे अपग्रेड्स आ रहे थे कि आपको रैम इंक्रीज देखने मिलेंगी, 6 GB की जगह 8 GB की रैम देखने मिलेंगी। लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से ये अपडेट आई है कि इस साल भी आपको 6 GB की ही रैम देखने मिलेंगी iPhones के अंदर। और अगर देखें नॉन प्रो iPhones की तरफ, मतलब iPhone 15 और iPhone 15 प्लस के तरफ, तो इनके अंदर बताया जा रहा है कि ज्यादा प्राइस हाइक नहीं देखने मिलेगा आपको, 1 से 2 हजार का ही ज्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा प्राइस के मामले में। और बहुत सारी लीक्स के हिसाब से iPhone के जो नॉन प्रो मॉडल्स होने वाले इस साल के, वो भी आपको बहुत ही कमाल के देखने मिलेंगे। जैसे कि इस साल के जो नॉन प्रो iPhones होने वाले हैं उनके अंदर भी आपको एप्पल का 48 MP का कैमरा सेटअप देखने मिलने वाला है, जिसकी वजह से इनका जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको नॉन प्रो iPhones के अंदर भी इस साल डायनेमिक आइलैंड देखने मिलेगा। मतलब आप नॉन प्रो iPhones को भी अगर लेते हो तो आपको डायनेमिक आइलैंड के सारे फीचर्स यूज करने मिलेंगे, और आपका जो फोन है वो थोड़ा मॉडर्न भी दिखेगा डायनेमिक आइलैंड की वजह से। और इस साल एप्पल अपने iPhones के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज करने वाला है। इस साल iPhone के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने मिलेगा। हाँ, एप्पल फाइनली टाइप सी पोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन एप्पल यहाँ पर भी कुछ ट्रिक्स लगाने वाला है। जैसे कि नॉन प्रो iPhones जो होंगे, iPhone 15 और 15 प्लस, उसके अंदर आपको USB 2.0 का सपोर्ट देखने मिलेगा। मतलब आप ज्यादा फास्ट स्पीड में फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते और फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन जो प्रो iPhones होने वाले हैं उसके अंदर आपको USB 3.1 Thunderbolt का सपोर्ट देखने मिलेगा, जिसकी वजह से आपको जो फाइल ट्रांसफर स्पीड देखने मिलेंगी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने मिल सकता है इन iPhones के अंदर। तो मैं होप करता हूँ कि इस साल के जो iPhones है उसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिले। चांसेस तो थोड़े कम है फास्ट चार्जिंग के, लेकिन इस साल के iPhones के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने मिल सकती है। और अगर देखा जाए डिस्प्ले की तरफ, तो बताया जा रहा है कि इस साल भी आपको पिछले साल की तरह ही डिस्प्ले देखने मिलने वाला है। जो नॉन प्रो मॉडल्स होने वाले उसके अंदर आपको 60Hz का ही बेसिक डिस्प्ले देखने मिलेगा, और जो प्रो मॉडल्स होने वाले उसके अंदर आपको एक 120Hz का फ्लो एड एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इस साल के जो iPhone के बेजल्स होने वाले वो बहुत ही कम हो जाएंगे, स्पेशली प्रो मॉडल्स के। बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर के 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स से 30% कम बेजल देखने मिलने वाले आपको 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में। और आप फोटोज में भी देख सकते हो कि आपको कितने ज्यादा कम बेजल्स देखने मिलेंगे। अगर हम कंपेयर करें iPhone 11 से, तो आप देख सकते हो iPhone 11 से कितने ज्यादा कम बेजल्स देखने मिल रहे हैं हमें iPhone 15 सीरीज में। और अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इस साल भी पिछले साल की तरह ही होने वाला है। जो नॉन प्रो मॉडल्स होने वाले हैं उनके अंदर आपको एक साल पुराना प्रोसेसर देखने मिलेगा, और जो प्रो मॉडल्स होने वाले उसके अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने मिलेगा। अगर बात करें नॉन प्रो मॉडल्स की, तो इनके अंदर आपको देखने मिलने वाला A16 बायोनिक चिपसेट, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अनडाउटेडली ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है एंड्रॉइड के मुकाबले में। लेकिन ये एक साल पुराना प्रोसेसर है, जो कि आपको iPhone 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में देखने मिलता था, वही सेम प्रोसेसर आपको iPhone 15 और 15 प्लस में देखने मिलेगा। लेकिन जो iPhone 15 प्रो और प्रो मैक्स होने वाले हैं उनके अंदर आपको देखने मिलेगा A17 बायोनिक चिपसेट, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। और ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, जिसकी वजह से इनका जो बैटरी लाइफ होने वाला है iPhone 15 प्रो और प्रो मैक्स का, वो आपको बहुत ही ज्यादा देखने मिलेगा। लेकिन एप्पल ने इस साल जो बैटरी डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी अपग्रेड किया है। एप्पल इस साल के जो सारे iPhones है उनके अंदर थोड़ी बहुत अपग्रेडेड बैटरी डालने वाला है, जिसकी वजह से सारे ही iPhones के अंदर आपको अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम देखने मिलेगा और बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने मिलेगा। लेकिन जो प्रो मॉडल्स होने वाले हैं उनके अंदर आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। और बहुत सारी लीक्स ये भी बता रही है कि इस साल के जो iPhones है उसके अंदर आपको जो म्यूट स्विच है वो नहीं देखने मिलेगा, इसकी जगह आपको एक एक्शन बटन देखने मिलने वाला है, जिसे आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर यूज कर सकते हो। लेकिन आपको जो म्यूट स्विच है वो नहीं देखने मिलेगा इस साल के iPhones में। और मुझे ये भी पता है कि आपसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा iPhone 15 सीरीज के लॉन्च का, लेकिन iPhone 15 सीरीज के लॉन्च के साथ एक चीज और होने वाली है। इंडिया की सबसे बड़ी सेल आ रही है, जो कि है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, जिसके अंदर आपको iPhones के ऊपर बहुत ही तगड़े डिस्काउंट देखने मिलेंगे। तो अगर आपको जानना है iPhone 12 कितने का मिलेगा, iPhone 13 कितने का मिलेगा, iPhone 14 कितने का मिलेगा, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे आ रही इन दो वीडियोस में से किसी भी एक वीडियो को देख सकते हो। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।